जय हिंद। समझते हैं कि भारत सरकार द्वारा किन 14 ऐपों को बैन किया गया है और इन्हें बैन करने का मेन कारण क्या है। तो भारत सरकार द्वारा जिन 14 ऐपों को बैन किया गया है उनका संबंध आतंकी गतिविधियों से पता चलता है। जो ऐप बैन किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें से पहला है क्रिपवाइजर, दूसरा एनिग्मा, तीसरा है सेफ सर्विस। सेफ सर्विस समझते हैं कि हम सेफ हैं, जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वो समझते हैं सेफ है, सेफ नहीं है, अनसेफ है, क्योंकि इनका उपयोग आतंकी गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। इनसे आतंकी भी चैट करते हैं, आतंकी भी इनसे इन्फॉर्मेशन लीक, वो भी एक दूसरे से चैट करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये सब अनसेफ है। फिर चौथा है विकर्म, फिर पांचवा है मीडिया फायर। मीडिया फायर, मीडिया में आग लगा दो साला, पूरा मीडिया जला के रख दो। पांचवा मीडिया फायर। फिर छठा है ब्रियार। फिर ब्रियार के बाद है सातवा बी चैट। बी चैट मतलब कुछ और समझ लो, ब्लॉकिंग चैट या ब्लैक चैट, कुछ भी समझ लो, यानी सातवां बी चैट। फिर आठवां है नैंड बॉक्स। नैंड बॉक्स, नैंड बॉक्स मतलब और एंड नॉर, ये सब तो फिजिक्स में गेट चलते थे, तो ये ऐप आ गए नैंड बॉक्स। नैंड बॉक्स, नैंड बॉक्स के बाद है नवा है कोनियन। कोनियन, कोनियन, को से सी हटा तो क्या बचा, ओनियन। ओनियन मतलब प्याज। क्या यार, कैसे कैसे ऐप बनाए गए हैं। तो नवा कौन सा है, कोनियन। कोनियन ऐप बनाया गया जिसका संबंध जो था वो आतंकी गतिविधियों से है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। फिर है आईएमओ। आईएमओ इसका भी उपयोग आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। फिर ग्यारहवा है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, तो जो भी इससे इंफॉर्मेशन जाती थी वो एक तत्व के रूप में जाती थी, एलिमेंट के रूप में जाती। तो यानी इनका नाम भी अजब तरीके से रखे हैं, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व। तो फिर तीसरा सेकंड लाइन। सेकंड लाइन यहाँ जो सेकंड लाइन है यहाँ पर कोई दूसरी लाइन ही चल रही है, अच्छी कवर पेज नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ और ही मामला चल रहा है। तो सेकंड लाइन, सेकंड लाइन मतलब दूसरी लाइन, नंबर दो का काम। फिर दूसरा, फिर तेरहवा है जंगी। जंगी, जंगी जहाज ये तो उपयोग कर लिए, जंगी, जंग, जंग का मैदान में आए हैं तो जंगी इसका नाम रख दिए। जंगी मतलब जंग करने जा रहे हैं। हाँ, जब आतंकी उपयोग कर रहे हैं तो नाम में भी अजब अजब रखे होंगे इनका। फिर जंगी के बाद है चौदहवा थ्रीमा। थ्रीमा, थ्री मारो, थ्री क्या यार, कैसे कैसे ऐप बनाए हैं। कुल मिलाकर ये 14 ऐप हैं जिनका उपयोग आतंकी गतिविधियों से शामिल था, जिनका उपयोग किया जाता था आतंकी गतिविधियों के लिए। तो भारत सरकार द्वारा इन ऐपों पर बैन लगा दिया गया है। इन ऐपों का आतंकी गतिविधियों से संबंध का खुलासा कैसे हुआ, बढ़ते हुए आतंक और आतंकी गतिविधियों को देखते हुए, जब यहाँ पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो इन्हें देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि यार कहीं ना कहीं तो लोचा है, लोचा है, तो उसने जांच पड़ताल करना शुरू किया। जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसने सारे जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म थे सबको उन्हें खंगालना स्टार्ट किया। जब सबको खंगालना स्टार्ट किया तो कहीं से तो कुछ मिल नहीं रहा था सुराग, जिसको ट्रैक करें उसकी उसका यूजर लिख के आ जाता और उसकी इंफॉर्मेशन लिख के आ जाती, उसका डेवलपर कहाँ कहाँ है वो पता चल जाता, डेवलपर कौन है वो सब पता चल जाता था। तो धीरे धीरे जो जांच एजेंसियां थी वो भी सोचने लगी यार कहाँ से फिर ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कहाँ से कौन इनका उपयोग कर रहा है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन जाती तो होगी आतंकियों के पास कहीं ना कहीं से, तो ये शेयर करते थे। इनका संबंध मिला है जांच एजेंसियों द्वारा, पता चला है कि इनका संबंध पाकिस्तान के आतंकियों से था, जो कश्मीर में रहकर और पाकिस्तान से चैटिंग करते थे, आपस में चैटिंग करते थे। जब जांच एजेंसियों ने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल कर ली, फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार ऐसे नहीं बनेगा, चलो जितने भी मीडिया ऐप हैं, जितने भी चैटिंग ऐप हैं, जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं, सबको खंगालना इन्होंने स्टार्ट किया। तो जितने ऐपों को ये खंगालते जाते उनका सबका डेवलपर्स खुल के आ जाता और ऑपरेटर लोकेशन कहाँ की है, कहाँ से वो ऑपरेट हो रहे हैं, कंपनी कौन सी है, ऑफिस कहाँ है उनका, उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब खुल के आ जा रहा था। लेकिन वही पर इनमें से कुछ ऐप मिले, जब कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो साला तो इनको भी ट्रैक करना स्टार्ट किया गया। जब ट्रैक करना स्टार्ट किया गया तो इनमें से कुछ ऐप थे जिनकी इन्फॉर्मेशन ना तो मिल पा रही थी, ना तो उन्हें पता चल रहा था कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं, ना तो इनके डेवलपर्स कहाँ के हैं उनको पता चल रहा था, ना तो इनके यूजर कौन कौन से हैं उनका भी पता नहीं चल रहा था। तो फिर उन्होंने जांच पड़ताल सुनो, तो फिर जांच एजेंसियों ने जांच पड़ताल की। तो जब जांच पड़ताल की तो जब इनके ना तो डेवलपर्स मिले, ना तो इनका ऑपरेशन लोकेशन मिला कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं, ना तो इनकी कंपनी का खुलासा हुआ कि इनकी कंपनी कौन सी है, कहाँ पर इनका ब्रांच है, ना तो इनके ऑफिस का पता चला कि ये कहाँ पर एक जगह किस जगह पर बैठ के उपयोग किए जा रहे हैं, ना तो इनको कोई इन्फॉर्मेशन खुल के आई कि इन्होंने इनको किसने बनाया है, कौन सी कंपनी है, कहाँ फलाना टीम का, कुछ भी इनका नहीं पता चला।
जब कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो यानी इनका संबंध आतंकी गतिविधियों से है। तो जब ऐसा पता चला कि यार इतने सारे ऐप हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे सेकंड लाइन क्या है, दूसरी लाइन मतलब नंबर दो का काम, तो जब ऐसे ऐपों का खुलासा हुआ तो जांच पड़ताल शुरू कर दिया और तेज बढ़ा दी गई जांच पड़ताल को। जब और तेज बढ़ाया गया तो फिर यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि इनका ना तो भैया कोई यूजर है, इनका भी पता नहीं चल पा रहा है कौन कौन इनको यूज कर रहा है, ना तो इनकी कोई लोकेशन मिल रही है। तो जब और तेज जांच बढ़ी तो अंततः यह निष्कर्ष निकला, जांच एजेंसियों ने यह बताया कि इनका संबंध जो है वो आतंकी गतिविधियों से है, इन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है, पाकिस्तान और कश्मीर में जो आतंकी हैं उनके समर्थकों को और वहां पर जितने उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं वहां से इनके संबंध मिले हैं कि वो लोग इससे चैटिंग करते थे और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ की वहां वहां की यहाँ किस प्रकार से प्लानिंग करना, ये सारी गतिविधियां उनके अंदर कि इसी ऐप के अंतर्गत इन्हीं ऐपों के अंतर्गत वहां से यहाँ से सूचना जा रही थी और वहां से सूचना आ रही थी कि तुम्हें क्या कब करना है अब कर लो। जानते हो यार कौन बैठे हैं, इंडिया वाले सोच रहे हैं कि तुम्हें कुछ छूट दे दी जाए, वैसे ही एक तो भुखमरी से मर रहे हो, सब लोग इतने परेशान हो गए हो कि तुम पर दया आना स्टार्ट हो गई है, भुखमरी जैसी समस्याएं तुम्हारे यहाँ हो रही है, अपने आप को खुद को संभाल नहीं पा रहे हो और यहाँ ये सब सारी गतिविधियां कर रहे हो, आतंकी गतिविधियां कर रहे हो। अरे खुद के घर को पहले संभालो, तुम्हारा घर उजड़ रहा है, ना तो वहां पर खाना उपलब्ध है, ना तो पानी उपलब्ध है, साला बाजार में भी सामान नहीं मिल रहा है, मिल रहा तो उसकी कीमत आसमान छू रही है, अपने आप को पहले संभालो फिर दूसरे पर चलो हमला करने। जानते हो यहाँ पे कौन बैठा है, उड़ा के एकदम से राख कर देंगे, तो अपने आप को पहले सुधारो उसके बाद आओ यहाँ पे ये सब काम करने, नीची हरकतें करने चले आ रहे हैं। ना तो इनका कोई ट्रैकिंग ऑप्शन था, इनका ट्रैकिंग ऑप्शन भी अनअवेलेबल था, इन्हें ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था, और इनके जो डेवलपर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन भी अनट्रैकेबल थी, मतलब उन्हें ट्रैक ही नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी, भारत सरकार द्वारा अंततः इन 14 ऐपों को बैन कर दिया गया है, यही निष्कर्ष निकला है कि इन ऐपों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से गृह मंत्रालय ने आखिर में यह पाया कि इन ऐपों की मदद से जो आतंकवादी हैं उनको और उनके समर्थकों को आपस में शामिल होने में इनसे मदद मिलती है। तो इस प्रकार से 14 ऐपों को बैन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से, जिनमें से भैया सेकंड लाइन, जंगी, थ्रीमा, क्या क्या कोनियन सुनियन सब सारे ऐप हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।